हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आरकेवी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। और टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें जॉब वगैरह चाहिए। और मेरे कुछ भाइयों ने कॉमेंट किया था मेरे वीडियो में जो लास्ट बनाया था कि आप ना सैलरी के बारे में बताओगे, कितनी सैलरी मिलती है। तो भाई मेरे, मैं आज उसी टॉपिक के रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितनी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको अपने वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। तो जैसे कि मैं इस वक्त युगांडा कंट्री में हूँ, जिसकी कैपिटल कंपाला है। मैं कंपाला में रहता हूँ, वर्किंग हूँ। तो मैं आज आप लोगों को कंपाला सिटी के बारे में, युगांडा के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना, तो आपको सारी चीज़ें बराबर से समझ में आएंगी। देखिए कैसा है कि मैं अभी मेन पॉइंट में आ जाता हूँ। क्या है कि यहाँ वहाँ बात करने कोई मतलब नहीं है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे युगांडा में बड़ी कंट्री है, बट इतनी भी नहीं है इंडिया जैसे, बट ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि आपको मार्केटिंग में चाहिए तो अच्छे खासे जॉब मिल जाएंगे, आपको अकाउंट्स फील्ड में चाहिए अच्छे खासे जॉब मिल जाएंगे, आपको मैकेनिकल या इंजीनियरिंग के जॉब चाहिए तो भी मिल जाएगा, आपको मेडिकल फील्ड में जॉब चाहिए तो भी मिल जाएगा, आपको जैसे कि नॉर्मल चाहिए जैसे सुपर मार्केट में चाहिए या मॉल में चाहिए तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, या कहीं किसी ट्रेडिंग कंपनी है या छोटा मोटा किसी का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब इजली मिल जाएगा। और इसमें कैसा होता है कि जैसे कि मार्केटिंग वगैरह में बहुत सारी है, जैसे मेडिकल फील्ड में अच्छी खासी मार्केटिंग में जॉब मिल जाएगी यहाँ पे आपको, और बाकी ट्रेडिंग कंपनी में है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा कोशिश तो करना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ कि मतलब फील्ड वाइज क्या सैलरी रहेगी। मैं एग्जैक्ट आपको सैलरी नहीं बता सकता कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं 1000 डॉलर मिल रही है, तो आपको लगे कि मैंने 1000 बोला था तो 1000 नहीं, क्योंकि क्या हर कंपनी के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो एक स्पेसिफिक इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कहीं ज़्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट कट टू कट उस रेंज में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप कौन से फील्ड से हैं। सपोज कि आप अगर अकाउंट्स फील्ड से हैं, ठीक है, अकाउंट्स फील्ड में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस मैटर कब करता है कि आपको इस युगांडा कंट्री का कितना एक्सपीरियंस है, आप इंडिया में कितने एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस है ठीक ठाक है, बट आपका यहाँ पे जो लोकल एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा वैल्यूबल होता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर कंट्री का अपना अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, तो थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो अगर जैसे कोई अकाउंट फील्ड में आता है तो उसको मे बी कि 700 डॉलर भी मिल सकता है, 800 डॉलर भी मिल सकता है, 1000 डॉलर भी मिल सकता है, 1200 डॉलर भी मिल सकता है, 1400 भी मिल सकता है, 1800 भी मिल सकता है, 2000 भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और कैसा लोकेशन है, वो भी लोकेशन भी मैटर करता है। अगर आप कैपिटल में आते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, फिर आप किसी दूसरे साइड में चले जाओगे जैसे जिंजा वगैरह है, क्योंकि मेन जो मेन सिटी है युगांडा की वो कंपाला ही है कैपिटल। तो ऐसा सैलरी का आपका बेस रहेगा, तो मतलब इक्वल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो थोड़ा अच्छा जॉब मिल जाए, कोई कंपनी बड़ी है रिप्यूटेड कंपनी है तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाए। बट मैं आपको रेंज बता दिया कि मतलब मिनिमम 700 से स्टार्ट होएगा, तो आपको फिर 1500, 2000, 1800, 1200, 1400 डॉलर, इसके आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब उसमें भी कैसा रहता है कि कुछ कंपनियां इंक्लूडिंग देती हैं, ये इंक्लूडिंग एकोमेंडेशन देती हैं, कुछ कंपनियां आपको सैलरी देंगी सेपरेट और आपका जो खर्चा है वो अलग से देंगी। सो आप
जब इंटरव्यू होएगा आपका तो उस टाइम आप ये कंफर्म कर लेना क्या कैसी चीज़ें हैं आपको, डेली अलाउंस में कितना मिल, डेली का खर्चा कितना मिलेगा, वीक या डेली नहीं मिलता तो वीकली खर्चा कितना मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का कितना मिलेगा, आपकी सेविंग सैलरी कितनी मिलेगी, और आपका कैसा सैलरी कैसी भेजी जाएगी, आपके डायरेक्टली कंपनी आपके अकाउंट में भेजेगी या आपको भेजना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको कैश सैलरी मिलती है तो आप इजली यहाँ फोरेक्स में जाके अपने इंडिया के अकाउंट में आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे कैसा है कि आपको कितना भी पैसा भेजो आपका 17,500 रुपीज़ लोकल 17,500 सिलिंग युगांडन सिलिंग में आपको चार्जेस लगता है अगर आप किसी भी फॉरेक्स में जाके पैसा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं रहता है, 300-350 रुपये रहता है, बट इजिली आप यहाँ पे बहुत सारे फॉरेक्स हैं छोटे छोटे, तो आप अपना पैसा इजिली भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया अकाउंट्स फील्ड के बारे में। अब दूसरी बात है, अगर जैसे कि कोई मार्केटिंग में आता है, मार्केटिंग वालों का भी सैलरी उसी रेंज में ही स्टार्टिंग होता है, और मे भी कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं 800 हो सकता है, कहीं 1,000 हो सकता है, कहीं 1,200 हो सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट के ऊपर, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके इंडिया में कौन सा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, आप फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और फिर आप यहाँ पे आए हैं तो कौन सी पोस्ट पे आए हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग के लिए आए हैं तो आपका 1,000, 1,200, 800 हो सकता है, 1,400 हो सकता है, 1,500 हो सकता है, 1,800 हो सकता है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, $2,000 हो सकता है, $3,000 हो सकता है, $3,500 भी हो सकता है। जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट में, जैसे समझिए कोई कंट्री मैनेजर की पोस्ट में आया मार्केटिंग में, ठीक है, तो उसका आपको 2,500 भी मिल सकता है, 2,000 भी मिल सकता है, $3,000 भी मिल सकता है, और $1,500 भी मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो आपका अकोमोडेशन है, जो खर्चा है आपका बेसिक जैसा रहने का खाने का, तो आपकी सैलरी के साथ में इंक्लूड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक जैसे कि आपको $1,500 मिल रहा है सेपरेट, और 900 युगांडन सीलिंग आपको खर्चे के लिए मिल रहा है, और 9 लाख सीलिंग, और ये 1 मिलियन सीलिंग आप लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्पेसिफिक है कि एक इंक्लूडिंग ही मिलेगा या एक्सक्लूसिव मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू के टाइम में कंफर्म कर लेना, लेकिन मैं आपको रेंज बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर टाइप में हैं, आपका क्वालिफिकेशन कम है, तो आपको सैलरी रेंज उसी हिसाब से होगा, 800 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, 1,200 हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जो सैलरी होती है, सैलरी के आपको जैसे $1,000 है तो सैलरी आपको सेपरेट मिलेगी, और आप जो का एक्सपेंसेस है वो आपको सेपरेट मिलेगा। अब वो डॉलर्स में भी दे सकते हैं, सिलिंग्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी समझो कि आप किसी कंपनी ने आपको फिक्स किया कि नहीं मैं डॉलर में नहीं दूंगा आपको, आपकी ₹1,200 समझो $1,500 आपकी सैलरी है, तो मैं आप उसको युगांडन सिलिंग में दूंगा, आपको डॉलर्स में नहीं दूंगा, तो फिर आपको फिर वो मिल सकता है 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो अब ये मार्केटिंग वाला भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। फिर जैसे कोई मेडिकल फील्ड वाले में है, तो मेडिकल में भी वही स्टेटस है भाई मेरे, कि मतलब समझ जाओ अभी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कोई अच्छा क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड है तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, और रिकमेंडेशन वगैरह सब वही सेम सिस्टम ही है, मतलब कि रिकमेंडेशन वगैरह का सेम ही सिस्टम है, कुछ अलग अलग नहीं है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी कोई भाई का क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही जॉब मिलेगा उसको, सैलरी कम हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि कम सैलरी में करते हैं, जैसे $200, $300 हो गया, $400 हो गया, तो डिपेंड करता है कि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना ही है, एक बार मेरे को एंट्री मिल जाए, एक बार एंट्री मिल जाती है तो फिर कैसा होता है, आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, कंपनी का एक्सपीरियंस लोकल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपको जॉब ढूंढने में कंफर्टेबल हो जाता है, इतना फाइटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो कुछ लोग एंट्री चाहते हैं कि एक बार मेरे को अफ्रीका कंट्री में एंट्री मिल जाए, और यहाँ पे आपको फिर जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट में करना है, तो बहुत सारे इंडियन से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगा, और सैलरी स्ट्रक्चर वही है आपको कि आप समझो कि अगर शॉप में बैठने के लिए आए हो, सुपरविजन के लिए आए हो, या मैनेजर के लिए आए हो, तो सैलरी रेंज वही रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से $800 हो सकता है,
$1,000 हो सकता है, $1,200 हो सकता है, $1,500 हो सकता है। फिर इसमें ऐसा है कि कंपनी आपको रहने के लिए दे सकती है घर अलग से, आपका खाना रहने का, लाइट का, पानी का सब अलग से खर्चा दे सकती है। तो ये हो गया जैसे कि कम क्वालिफिकेशन वालों को, बहुत सारे ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हो, होटल्स में ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं रियल इस्टेट की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बट इसमें क्या है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के टाइम में मेरे भाई जरूर क्लियर कर लेना। ये मत करना कि आपका इंटरव्यू हो गया फिर कॉन्टेक्ट लेटर बाद में देंगे, यहाँ आने के बाद में देंगे, ये गलती मत करना। क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ आ गए फिर कंपनी बोलेगी कि नहीं हमने तो उस टाइम पे बोला था $1,000, फिर तुम्हारा इतना खर्चा यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो अभी आपको हम 800 ही देंगे या फिर 1,000 देंगे, आपको ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। तो भाई मेरे या वहीं पे कांटेक्ट जब आपका होएगा, फाइनल इंटरव्यू हो गया, कांटेक्ट लेटर बनेगा, उस टाइम पे आप केयरफुली सारी चीज़ें रीड कर लेना और फिर इसके बाद में साइन करना। और जो चीज़ें आपको कंपनी ने देने के लिए बोला है वो सारी चीज़ें आपके कांटेक्ट लेटर में होनी चाहिए, आपके पास पे अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। तो क्या है ना कि कल आपको कुछ इशू होएगा तो आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें देने के लिए प्रॉमिस किया गया था। तो जैसे ही मैंने पुराने वीडियो में भी एक बनाया हुआ है जिसमें सारी चीज़ें मैंने जॉब से रिलेटेड एक्सप्लेन की हुई है, बट मैंने स्पेसिफिक ये बनाया है सैलरी स्ट्रक्चर का कि हाँ भाई चलो ठीक है सैलरी का भी बना देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं फैमिली रिकमेंडेशन देती हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए, फैमिली को लेके आइए, उनका खर्चा भी। तो जब इंटरव्यू होगा तो आप पूछ लेना आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो एक बार ये क्लियर होने के बाद में फिर कैसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंपनी देती है, 1 साल के बाद में अलाउ करती है जाने के लिए, कुछ 2 साल के बाद में अलाउ करती है। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे को 2 साल के बाद में कंपनी ने अलाउ किया जाने के लिए। तो आप आइए, यहाँ पे बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो आप ट्राई करिए और एक बार एंट्री करिए। क्योंकि क्या है कि आप जब आपके पास में कोई रेफरेंस नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, इसके बाद में आप यहाँ आ सकते हैं। और फिर आप यहाँ आएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और मुझे लगता है कि मैंने सैलरी के बारे में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो डॉलर में आपको सैलरी मिलेगा या युगांडन शिलिंग में आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा कि आपको जो डॉलर है तो उसको कन्वर्ट करके युगांडन शिलिंग में मिल जाएगा। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि आपको सीधा बोलेंगी कि भाई मैं आपके INR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। सपोज कि कोई कंपनी है उसका हेड ऑफिस इंडिया में है, तो बोलेगी कि भाई मैं आपको ना इंडिया में ही सारे पैसे आपको दे दूंगी, जो आपको खर्चा है तो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से आइए। और सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने सबको बता दिया भाई, ये कम एजुकेशन वालों का भी बता दिया मैंने, 700, 800, 900, 1,000, 1,200 के आसपास आपका सैलरी स्टार्ट होएगा, जैसे 10वीं किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, जो अपने छोटे छोटे बिजनेस मैन जो इंडियंस करते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको हायर कर सकते हैं। तो आप ट्राई करते रहिए, और एक दो बार चार बार के इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद में ये होप मत छोड़िए कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा और यहाँ पे सैलरी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अकाउंट्स फील्ड के बारे में बता दिया, मेडिकल फील्ड के बारे में बता दिया सैलरी का, मार्केटिंग फील्ड के बारे में बता दिया, और आपका ट्रेडिंग रेस्टोरेंट के बारे में, सुपरमार्केट के बारे में मैंने बता दिया कि वही स्ट्रक्चर है। और आपका इंजीनियरिंग फील्ड में भी आपको अच्छे खासे जॉब मिल जाएंगे, यहाँ पे सैलरी का रेंज वही है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस के फील्ड में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब आ जाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो करीब करीब मैंने सैलरी के बारे में बता दिया आप लोगों को, अब आप अपने हिसाब से, वो तो इंटरव्यू के टाइम में और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देती है। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, और ये जो भी
चीज़ें मैंने बताई है सैलरी से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, ये युगांडा कंट्री के बारे में बताया है, और जो कंपाला है, कंपाला ये युगांडा का कैपिटल है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी आप लोगों को अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट में सिर्फ डाल देना है कि मुझे ये चीज़ जाननी है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना के और आप लोगों को के लिए अपलोड कर दूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी कोई ट्रबल ना हो, और बाकी यहाँ आप लोग आ सकते हैं। एक काम जरूर करिएगा, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वही मेरा ये असेट है, बाकी का तो सारी चीज़ें आप लोगों का प्यार मिलता ही है, बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो चाहिए नीचे कमेंट करके डालें, मैं आपको दूसरा वीडियो बना के उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो भी दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नई जगह के बारे में या कुछ नए ब्लॉग्स के बारे में आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।